ये बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में इशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे MS धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइज, MSD की स्पिरिट को देखते हुए ICC ने 2020 में MSD को ICC क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइज, आपको MSD की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।